दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार्स एक साथ एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं, यानी कि बाहुबली के प्रभास और इंडियन सुपरहीरो क्रिश यानी कि ऋतिक रोशन दोनों ही एक साथ एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं। तो कौन सी होगी वो फिल्म, फिल्म की कहानी क्या होगी, फिल्म में और कौन कौन से स्टार कास्ट होंगे, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए इसी बात की जानकारी लाए हैं। अगर आप भी इन दोनों की इस धमाकेदार फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही इन दमदार एक्टर्स के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली अपनी मल्टी स्टारर फिल्म RRR की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसमें उन्होंने अजय देवगन को कास्ट किया है। साल 2021 के फर्स्ट मंथ में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म की शूटिंग लगभग समाप्त की जा चुकी है, जिसके बाद इनकी दूसरी अपकमिंग मूवी की चर्चाएं जोरों पर आ गई हैं। आपको बता दें कि अब SS राजामौली महापंडित रावण की बायोपिक बनाना चाहते हैं, जिसमें रावण के रोल के लिए उन्होंने बाहुबली के प्रभास को कास्ट किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाहुबली मूवी राजामौली द्वारा निर्देशित की गई थी, जिसमें प्रभास का दमदार अभिनय दर्शकों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ता हुआ नजर आया था, जिसे दर्शक आज भी भुलाए नहीं भूल पाते हैं। ऐसे में एक बार फिर राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म रावण में प्रभास को देखना बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहां रावण के किरदार के लिए सभी को प्रभास नजर आने वाले हैं, तो वहीं राम के किरदार के लिए बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया है। साथ ही लक्ष्मण का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे बॉलीवुड में अपने डांसिंग और पर्सनालिटी के लिए जाने जाने वाले अभिनेता टाइगर श्रॉफ। सूत्रों की माने तो राजामौली के इस बड़े प्रोजेक्ट में अजय देवगन भी काम करते हुए नजर आ सकते हैं। आप सभी को बता दें कि ये फिल्म महापंडित रावण पर बेस्ड होगी, तो ऐसे में फिल्म का नाम भी रावण ही होने वाला है। बताया जा रहा है कि राजामौली की इस फिल्म का बजट करीब 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। ऐसे में देखा जाए तो फिल्म बेहद ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल कहानी के साथ होने वाली है। वहीं अगर बात की जाए फिल्म की कहानी की, तो आपको बता दें कि रावण फिल्म का पॉइंट रावण के पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए दिखाया जाएगा, जिसमें एक भाई ने अपनी बहन के लिए किस तरह से सब कुछ न्योछावर कर दिया था और सीता हरण करने के बाद उन्हें कैद कर लिया, पर इसके बावजूद भी उन्होंने सीता के सम्मान को बरकरार रखा। इसी प्रकार के ट्विस्ट के साथ कहानी को बयां किया जा रहा है, और इसके साथ ही आपको फिल्म में कई तरह के चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। जिस प्रकार राजामौली ने बाहुबली की कहानी का सार रामायण और महाभारत से लिया था, उसी तरह फिल्म की कहानी रामचरितमानस पर बेस्ड होने वाली है। तो दोस्तों, आप प्रभास को रावण के किरदार में देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।